तो एप्लीकेशन नंबर वन हुआ था आपका, अगर आपको याद होगा कि एप्लीकेशन वन था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, नंबर टू टू स्टैब्लिश रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, और नंबर थ्री जो आज करेंगे टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इंटू अनदर। लिखिए नंबर थ्री टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इंटू अनदर, एप्लीकेशन नंबर थ्री टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इंटू अनदर, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इंटू अनदर। ध्यान आ गया, देखिए क्या है इसका मतलब और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वन सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट कई तरह का होता है, जैसे ऐसे जाना माना है FPS, फुट पाउंड एंड सेकेंड, MKS, मीटर केजी सेकेंड, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि उनके हिसाब से है, फ्रांसिसियों के हिसाब से, हम लोग SI बोलते हैं, उनके हिसाब से नाम है SI, हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए भी डायमेंशन हेल्पफुल होता है। वो कैसे है वो समझिए। मान लीजिए मेरे पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये है आपका एक साइड सिस्टम वन, सिस्टम नंबर वन का पतला लिख रहा होगा ये, ओ अभी तो आपको स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है, सॉरी। ओके, दो सिस्टम ऑफ यूनिट है, एक साइड है सिस्टम वन और दूसरी साइड है हमारा प्यारा सिस्टम टू। अब ये सिस्टम वन सिस्टम टू कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सिस्टम वन सीजीएस हो सकता है तो सिस्टम टू एसआई हो जाएगा, यानी सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना हो। कई बार आपको मीटर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड या इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तो आप क्या करते हैं, असल में आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे होते हो। जब भी आप दोनों सिस्टम में कन्वर्ट करोगे एक चीज कॉमन रहेगा, वो है क्वांटिटी। जैसे अगर आप मान लो फोर्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल रहे हो तो क्वांटिटी तो फोर्स ही रहेगा ना। जैसे आप रुपए को यानी कि ये करेंसी को आप रुपए से डॉलर में बदल रहे हो तो करेंसी है, भले उसका यूनिट बदल रहा है। जैसे कि वेलोसिटी को आप एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हो तो सिस्टम बदल रहा है लेकिन टर्म तो फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी ही ना है। यानी इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि इनका वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी बोलते हैं, इनका फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सेम होगा। यानी इन दोनों ही केस में जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका डायमेंशन सेम होगा, डायमेंशन सेम होगा, चाहे वेलोसिटी एसआई में बोलो चाहे वेलोसिटी सीजीएस में बोलो, डायमेंशन तो एलटी माइनस वन ही होगा ना। चाहे फोर्स को तुम एसआई में बोलो चाहे फोर्स को तुम सीजीएस में बोलो, दोनों ही केस में डायमेंशन तो एमएलटी माइनस टू ही होगा ना। कहने का मतलब दोनों यूनिट में कॉमन क्या होगा दोनों सिस्टम में, उसका डायमेंशन। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी को पहचान के उसका डायमेंशन याद करेंगे। डायमेंशन में दोनों में एमएलटी या कुछ भी आएगा, पावर में सबका सेम रहेगा। अब सिस्टम जैसे होता है कि भाई 10 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू इतना मीटर पर सेकंड, यानी या 10 न्यूटन में इतना डाइन, ये सब जो टर्म आता है, यानी दोनों सिस्टम में कुछ ना कुछ वैल्यूज होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। मान लो सिस्टम वन में N1 है, N1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, N1, तो सिस्टम टू में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है N2। जैसे कोई बोल सकता है ना कि बताओ भाई 180 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड होगा, तो N1 यहाँ क्या हो गया 180, N2 में पता करना है। N1 पता है आपको, मान लो ये अभी बहुत पतला दिख रहा होगा इसलिए स्क्रीन चमक भी रहा है, काफी उजाला कहीं कहीं से आ रहा है, तो आप ये देख लेना। मोटा पेन भी है मेरे पास लेकिन ये पुराना हो जाता है, इस पर लिखने का मन नहीं करता। N1 है और ये आपका N2 है। ओके, अब N1 को N2 को, ये दो चीज तो आप समझ गए। उसके बाद अब इन तीनों में डायमेंशन तो सेम होगा, इसका भी अपना मास का टर्म होगा m1, इसका भी लेंथ होगा l1, टाइम होगा t1, इसका मास m2, लेंथ होगा l2, टाइम होगा t2, mlt, बेसिकली यही सबका डायमेंशन होता है, यही तीन को लिख के भी चल रहा है। तो आप गौर करोगे मास, लेंथ और टाइम में इसमें 1 1 1 लिखे थे 2 2, क्योंकि हो सकता है अगर ये एसआई सिस्टम होगा तो इसका मास केजी में होगा और ये कोई और सिस्टम मान लो सीजीएस हुआ तो इसका मास ग्राम में होगा, तो दोनों मास को अलग अलग दिखाना होगा, इसलिए m1 और m2 लिखे। लेकिन एक बात तय है कि दोनों यूनिट सेम ही क्वांटिटी का है, यानी उसका डायमेंशन सेम है। इस केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए देखो, L1 टाइम्स M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C। जैसे मान लो फोर्स होगा तो MLT माइनस 2 होगा ना, कोई भी क्वांटिटी का उसका डायमेंशन होगा ना, उस पावर को ABC कह रहे हैं। वही चीज सेम इधर करेंगे तो N2 टाइम्स M2 का पावर A, L2 का पावर B, T2 का पावर C। दोनों साइड पावर क्यों सेम रहा, क्योंकि क्वांटिटी तो वही है ना। अभी हम एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, अभी तो आपको नॉर्मल बता रहे हैं।
जब क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए पावर सेम है। तो यहां से n1 का वैल्यू या n2 का वैल्यू, मान लो n2 पता करना है, तो therefore n2 इज इक्वल टू, n2 वही रहेगा, ये सब इधर आएगा। तो n1 तो है, m1 के डिवाइड में m2, दोनों का बेस पावर सेम, इसलिए साथ रखे l1 by l2 पावर में b, t1 by t2 पावर में c। तो यही फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पर हम काम करेंगे। n2 इज इक्वल टू n1, m1 by m2 पावर a, l1 by l2 पावर b, t1 by t2 पावर c। आप देख पा रहे हैं ये फॉर्मूला आपका मेन फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे सारा काम होगा। कैसे भाई, कैसे काम होगा, आखिर हम इसको कैसे बनाएंगे, कुछ अगर हम डाउट आपका पूछ लेंगे, ले लेंगे डाउट आपका। एक मिनट, कुछ मैसेज में लिखे हैं या कुछ बोलना है, ये कैसे आया क्या है, हम सब बताएंगे, कुछ एग्जांपल देंगे, हम समझा देंगे कुछ आगे। तब तक आप लोग व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने समझा ना ले अपनी ओर से कि कैसे इसको इक्वेट किए, ये और ये डायमेंशनली इक्वेट किए हैं, डायमेंशनली, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं आप, तो एन टू इज इक्वल टू एन वन एम वन बाई एम टू एल वन बाई टू टी वन बाई टू, दोनों का पावर में ए बी और सी की है। आपके मैसेजेस भी हम देखते रहते हैं, बीच बीच में घबराइएगा नहीं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, जिन्होंने भी हैंड रेज किया वो व्हाट्सएप पे तब तक लिख सकते हैं, वैसे हम बोलने का मौका अलग से देंगे। जैसे एग्जांपल नंबर पहला जो कॉमन एग्जांपल हर बुक में दिखता है, वही हम भी लिख रहे हैं जानबूझ के। एग्जांपल नंबर वन, आपको बोलेगा बताओ कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है। आपको पता है ना डाइन, सीजीएस यूनिट, डायन नहीं, डाइन, डी वाई नहीं, डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट है और न्यूटन जो है एसआई यूनिट है, दोनों फोर्स का है। तो एग्जांपल में क्या है, कन्वर्ट वन न्यूटन इंटू डाइन। सवाल देखें, कन्वर्ट वन न्यूटन इंटू डाइन, एक न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। एक एक जरूरी कॉल था घर से, इसलिए आपको हम थोड़ी देर के लिए म्यूट किए थे। डायमेंशन के दोनों साइड पावर क्यों सेम होगा, ये सवाल है कुशाग्र का। डायमेंशन के दोनों साइड पावर इसलिए सेम होगा क्योंकि इधर भी फोर्स का डायमेंशन है, इधर भी फोर्स का डायमेंशन है। मान लो क्वांटिटी अगर फोर्स है, तो जब क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन तो दोनों साइड फोर्स का वही होगा, एम एल टी माइनस टू। तो पावर दोनों साइड तो सेम ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला सवाल, कन्वर्ट वन न्यूटन इंटू डाइन, हो सकता है 10 न्यूटन भी दे सकता था, 100 न्यूटन भी दे सकता था, हम 1 न्यूटन लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो, न्यूटन जो है सिस्टम वन, यहाँ पे आपका एसआई है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई दिख रहा है, सिस्टम वन जो है वो एसआई है, न्यूटन एसआई है, और सिस्टम टू जो है आपका ये सीजीएस है। अगर आपको यहाँ पे हम समझाएं, देखो ये है एसआई और ये है सीजीएस, जगह का कमी हो जाएगा हमको, लेकिन फिर भी अब गौर करो, फोर्स हो चाहे कुछ भी हो, फोर्स हो, यहाँ क्वांटिटी फोर्स है, वैसे फोर्स का चाहे वो एसआई यूनिट हो चाहे सीजीएस, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। अगर आपसे हम पूछे कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है यहाँ पे ऐसे, तो फोर्स का डायमेंशन आप तुरंत बोलोगे मास इनटू एक्सेलरेशन, mLt माइनस टू, मतलब m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर माइनस 2। आप ये तुरंत बोलोगे, आपको इसमें कोई भी मेहनत नहीं होगा। अब आपसे अगर हम पूछे कि इधर n1 कितना है भाई एसआई में, तो आप बोलेगा 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। अब जब 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, एक मिनट स्क्रीन से इसको नीचे करते हैं, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो n1 यहां पे आपका हो जाएगा 1, n2 कितना है वो तो पता करना है भाई, ठीक है। मास, एसआई में मास जो होता है वो केजी में लिखते हैं, केजी। अगर हम समझाने के लिए लिखे तो सब कुछ यूनिट में लेके चलेगा वन में, क्योंकि n2 का वैल्यू तो आएगा ही, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग साइड हो जाता है, सब कुछ यूनिट में लिखेगा मास m1 केजी में। लेकिन सीजीएस में वही मास एक लिखेंगे लेकिन केजी में नहीं, वो क्या चीज में होगा, ग्राम में। इधर देख रहे हैं एक केजी, इधर एक ग्राम। इधर लेंथ l1
सीजीएस में लेंथ को मीटर में, सॉरी एसआई में लेंथ को मीटर में दिखाते हैं, तो 1 मीटर, इधर लेंथ 1 सेंटीमीटर, ये सीजीएस है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, इधर साइड टाइम आपका सेकेंड में होगा, तो इधर साइड भी टाइम आपका सेकेंड में होगा, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई तकलीफ हो जोर से चिल्लाइए, घर में कोई सुनने वाला है नहीं, मैं हम तो सुनेंगे नहीं, हम आपको मौका देंगे बोलने का, तब आप चिल्लाइए। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, छोटा छोटा लिखना होगा, मेरा बोर्ड इधर काफी, हम इधर से लिखना शुरू किए थे, पूरा बोर्ड खाली कर रह गया, तो थोड़ा ज्यादा जोश में हम आ गए थे, शुरू शुरू में बड़ा बड़ा लिख दिए थे, तो मोटा पेन से लिखते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। N2 = क्या लिखोगे भाई, N1 M1/M2 का पावर a, L1/L2 का पावर b, T1/T2 का पावर c। उम्मीद है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, a के जगह पे लिखेंगे 1, m1 है, b के जगह पे लिखेंगे फिर से 1 क्योंकि ml है, और c के जगह लिखेंगे -2, इसीलिए दोनों साइड डायमेंशन तो सेम क्वांटिटी का है ना, है इसीलिए। अब देखो n2 का वैल्यू क्या पुट करोगे भाई, n1 का वैल्यू है 1, m1 के जगह पे 1 kg/1 gram पावर 1, 1 meter/1 centimeter पावर 1, 1 second/1 second पावर में -2, देख रहे हैं पावर में -2, थोड़ा चमक रहा है इधर, लग रहा है ये पर्दे वर्दे की वजह से हो रहा है, तो दिख रहा है, नहीं तो हम फोटो खींच के भेज देंगे, हम कोशिश करेंगे था नहीं लिखने का, अभी हम एक साथ एग्जाम्पल भी समझाना चाह रहे थे इसलिए आपको यहाँ लिखना पड़ रहा है। देखो सेकेंड से सेकेंड तो कट जाएगा, सेम चीज है, अब सेम चीज कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, 1 का पावर 2 1 होता है, लेकिन 1 का पावर -2 कितना होता है, ये 1 का पावर -2 है, 1 का पावर 2 तो 1 होता है, लेकिन 1 का पावर -2 वो भी 1 होता है, कोई नया बात थोड़ी है, वैसा ही कोई लोग लेकिन इसमें भी घूम गया हो तो अलग बात है। अब सुनो नियम क्या है वो ध्यान से देखिए, नियम है कि इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, जैसे एसआई को कन्वर्ट करना है सीजीएस में, तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, वैसे किसी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, मेरा एम होता है ये कैंसिल हो जाना चाहिए जो यूनिट से, ताकि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है भाई, 1,2,3,000 ग्राम, बाई में 1 ग्राम, रेड पेन से लिखे हैं, दिख रहा है क्या, कम दिख रहा होगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं भाई, 1,000 ग्राम, तो 1,000 लिखे हैं, वन ये चमकने वाला जगह हम लिख दिए हैं, अब लिख दिए हैं गलती हो गया है, तो इस क्वेश्चन को झेल लो, अगला क्वेश्चन से नहीं लिखेंगे। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, बाई में 1 सेंटीमीटर, दोनों का पावर है 1, 1, ऑब्वियस सी बात है सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम ग्राम कैंसल, तो बचा यहाँ पे 1, 2, 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, 3 और 2 कितना जीरो हो गया, 5, तो N2 = 10^5 आ गया, N2 = कितना आ गया, 10^5, यानी बोलने वाला बोलेगा कि 1 N = 10^5 dyne, ये फाइनल आंसर हुआ। तो क्या आपको ये समझ में आया कि हमने कन्वर्जन कैसे किया, हो सकता है आज कई जगह पे बारिश हो रहा हो, नेटवर्क का स्थिति थोड़ा ज्यादा जोरदार खराब हो, इसीलिए हम आपको भेज दे रहे हैं इसका फोटो, प्यारा प्यारा फोटो, आप देखिए इस क्वेश्चन का जा रहा है आपके ग्रुप में, चमक रहा है ये भी अपने अपने साइड से। ओके इसको लिखिए, 1 मिनट हम आ गए, बोर्ड ज्यादा चमक रहा है क्या, थोड़ा सा लाइट 1-2 बंद करेंगे तो ठीक हो जाएगा। चलिए एक एक करके अपने डाउट्स को आप बोलिएगा अनम्यूट करके खुद को, ठीक है, एक एक करके, सॉरी स्क्रीन से मुड़ गया था, अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कोई जरूरत नहीं है हैंड रेज करने का, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, हम आपको सुनने जा रहे हैं, देखिए हम खुद ईयरफोन लगा के रखते हैं ताकि हमको डिस्टर्बेंस ना हो बीच में कोई, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन हम दे चुके हैं, ट्राई कीजिए और बोलिए, लेकिन शौकिया ट्राई गाना मत सुनाइएगा हमको भैया, भैया वो 1 न्यूटन था इसलिए मास भी 1 kg और नहीं नहीं, यहाँ पे अगर 100 न्यूटन भी होता तो भी हमें 1, 1, 1 ही लेके चलते, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये देगा ना, इसको आपको यूनिट ही रखना है ताकि ये पता चले कि आखिर यूनिट कन्वर्जन में इतना होता है, तो इतना कन्वर्जन के लिए कितना टाइम होगा, उतना टाइम तो 1 कर ही देगा, 1, 1 इसलिए करते हैं क्योंकि हमको इधर चेक करना होता है यूनिट कन्वर्जन के लिए, जब एक का दाम पता है तो जितना का वैल्यू बोलेगा
एक न्यूटन का बोला था तो एक से मल्टीप्लाई हुआ था, अगर 100 बोलते थे 100 से वो मल्टीप्लाई हो जाता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई और बोल सकते हैं, हम किसी को भी जज नहीं करेंगे क्योंकि हम देखेंगे ही नहीं कौन बोल रहा है, ना आपका वीडियो ऑन होता है ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये समझ में आ गया सबको, इतना बढ़िया। चल झूठा साहब, ये वाला तो हमको हर साल बच्चा लोग बहुत तकलीफ देता है ऑफलाइन मोड में। सबसे इजी है, सबसे इजी है ये एप्लीकेशन, मानते हैं, लेकिन बच्चा लोग जानबूझ के बाला खाल निकालते निकालते समझाते हुए लेट करता है। अगर आप समझ गए हैं तो जरा बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा। समझ गए अच्छे से, कमाल है। तो नया पेन है, काफी पतला लिख रहा है इसको, थोड़ा सा इंक विंक तो लिख लेते, जब ये अपने सही रंग पे आएगा ना तो अच्छा लिखेगा ये। चलिए तो सब लोग समझ गए हैं पक्की बात। क्या कोई अभी भी लिख रहा है? अभी भी कोई लिख रहा है तो हम रुकेंगे, और कोई लिख लिए हैं तो हाथ, अगर कोई लिख रहे हैं तो हैंड रेज करेंगे, तो मिटाने जा रहे हैं। ओहो वेरी गुड। चलो क्वेश्चन है, ओ लिख ही रहे, चलिए लिखिए लिखिए, सॉरी जो लिख रहे हैं लिखते रहिए, हाथ लिखिए कोई बात नहीं, जो लिख रहे हैं लिखते रहिए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको एक सवाल दे रहे हैं, इसको मिटा नहीं रहे, एक सवाल दे रहे हैं। कन्वर्ट कन्वर्ट 5 जूल जूल किसका यूनिट है पता है ना, एनर्जी का। अच्छा जूल का जो एनर्जी का यूनिट है वो सीजीएस यूनिट है कि एसआई यूनिट है? एसआई, ऑब्वियस ही बात है, आपको बोलना नहीं है बीच में, फिर तो आपको म्यूट करना पड़ेगा हमको। आप लोग का हल्का भी टुक टाक सुनाई देता है हमको अजीब लगता है, आपको बोलने का तो पूरा मौका देते हैं। कामरान का अनम्यूट हो गया था, कुछ को फिर बोलना हो तो फिर से मौका हम देंगे, चिंता नहीं करना। ओके, एनर्जी कैसा यूनिट है? एनर्जी जो है वो एसआई यूनिट है, एनर्जी एसआई यूनिट है, एनर्जी बोलते हैं जूल जो है वो एसआई यूनिट है एनर्जी का। तो कन्वर्ट 5 जूल इनटू, पता है ना सीजीएस यूनिट क्या होता है एनर्जी का? एनर्जी का सीजीएस यूनिट होता है अर्घ। कन्वर्ट 5 जूल इनटू अर्घ या इनटू सीजीएस यूनिट, कन्वर्ट 5 जूल इनटू अर्घ ईआरजी, यानी कि 5 जूल में कितना अर्घ ये बताना है। एसआई है 5 जूल, कितना अर्घ? इस बार ये किसका है पता है ना, ये इस बार एनर्जी का है। चलिए लगाइए तो दिमाग, हमको बना के नहीं भेजना है, बस बन जाए तो हैंड रेज कर देना है कि बन गया। आंसर नहीं भेजना है हमको, व्हाट्सएप आंसर नहीं भेजना है, कोई भी नहीं भेजेंगे, ये हम बोल दिए। अभी जब हम बोलेंगे तब भेजा कीजिए, अभी मना किए हुए। 5 जूल में कितना अर्घ होता है ये बताना है। नॉर्मल सा सवाल। अब जूल जो है वो एनर्जी का ये है यूनिट है, वो भी ऐसा यूनिट। यहाँ पे नहीं खुल रहा यार, सोच रहा था इंक डाल देते हम। हुआ कि नहीं से, एक भी हैंड रेज नहीं हुआ, बहुत बड़ा सवाल नहीं दिए हैं। मीटिंग को पॉज कर देते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग को। हाँ देखिए, इस बार एनर्जी दिए हैं, एनर्जी का डायमेंशन ML2 हो जाता है T-2, और इस बार N1 का वैल्यू 5 हो जाएगा। वही वाला सवाल में रेड पेन से चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ N1 की जगह 5 हो जाएगा, बस B के जगह पे 2 आ जाएगा, क्योंकि इस बार L का डायमेंशन 2 है जो B लिखे थे। सेकेंड वाला फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या वो देखिए। यहाँ 3 जीरो, यहाँ पे 100 का स्क्वायर, मतलब 4 जीरो, 4 और 3 7 जीरो, तो N2 इक्वल टू 5 तो था ही, 10 का पावर 7, 5 × 10 का पावर 7 आंसर हो जाएगा। आप याद भी किए हुए। मेरा अगला क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया? वैसे हम इधर का फोटो खींच के ग्रुप में भेज दे रहे हैं, इस उम्मीद से किसी एक का भी अगर ना बना हो तो समझ में आ जाए, बस इधर का फोटो खींच रहे हैं पूरा नहीं। बस कह यार कितना झुकाएगा, हाँ चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशनली जो भी करना है डायमेंशनली बनाना है ना ये मेथड से। अभी हम कोई सवाल देंगे तो आप ऐसे जानते होंगे, बोलचाल की बात में सीधे आंसर बोल सकते हो, लेकिन फिर भी आपको पूरा बनाना होगा। वाह, क्लास करते क्लास के बीच में कोई पेमेंट करता है, कितना खुशी का बात है। वैसे 12th वालों ने किया, चिंता मत कीजिए आप। टीचर का चेहरा पे नहीं तो स्माइल है, 4 गुना हो जाता है, पैसा ना आया। कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट
54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। मेथड यही रहेगा, ये नहीं कि हम बचपन में पढ़े हैं कि इतना से इंटू करेंगे इतना से डिवाइड कर देंगे, तो वैसे डायरेक्ट मत कीजिएगा। हमको जानना है डायमेंशनली आप ये शो कर पाते हो या नहीं। कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इंटू सॉरी इंटू मीटर पर सेकेंड। चलिए बनाइए, एक बुक यहाँ भी दिख रहा है हमको सीमा के अलावा। जिनसे बन जाएगा प्लीज बताएंगे, तब तक मीटिंग को पॉज कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग को सिर्फ। तो जिनसे नहीं बनाए जो थोड़ा कंफ्यूज हुए हैं, वो ये कंफ्यूजन इस सवाल में दूर जाएगा। हम पहले बोल रहे हैं हर नए सवाल में नया चीज सीखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड से। अच्छा, ये मीटिंग मेरा अपने आप 10 मिनट के बाद एंड हो जाएगा, खुद ब खुद एंड हो जाएगा 40। तुरंत आप कोई बिना गैप लिए, बहुत मनो थोड़ा पानी वानी पी लीजिएगा, तुरंत सेम आईडी पे आप क्लिक करके रिज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। एक दिन में 2 मीटिंग होता है, ये ध्यान रखिएगा, दूसरा मीटिंग तुरंत ज्वाइन करेंगे। गुड, जिन लोगों ने बनाया, अब बाकी लोग प्लीज देखिएगा, अगर नहीं बना पाए कोई तो फिर से 2 हैंड उठे हैं, देखे कौन कौन है। ओके, रोहन भी बना लिया, गुड रोहन। आयुष ने बनाया ही है, श्रेयांशी ने बना लिया, हर्ष ने बना लिया, खुशी कुमारी वेरी गुड, नम्रता वाह दे रहा है, गुजरता है, पीयूष ने भी ट्राई किया इस बार सही, शानवी भी ओके, आस्था भी गुड। तो अब मिलाइए कैसे होता है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कि नहीं बन रहा तो परेशान नहीं होंगे, प्रैक्टिस के बाद धीरे बनेगा। हम तो जब हम कभी हम 11th में थे तो मेरे से भी बिल्कुल नहीं बनता था, बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं, घर आके खूब प्रैक्टिस करते थे फिर बनता था, ठीक है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काफी होगा कि और कुछ हम और फेंके अपने बारे में और अपने आप को नीचे गिराएं, नहीं ना, ठीक है। इसीलिए आप ये मानिए कि किसी से भी पहले पहले नहीं बनता, कोई बनता किसी नहीं बनता, घबराना नहीं, आराम से बनेगा। देखो, इस बार आपको 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है इन मीटर पर सेकेंड, देख रहे हैं, इन मीटर पर सेकेंड। दोनों ही जो है वो किसका है, वेलोसिटी का है, यानी आपको ये समझ में आता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एलटी माइनस वन। अगर एम नहीं है आपको मन है तो एम का पावर क्या लिख दोगे, जीरो, एम का पावर आप जीरो लिख दोगे। कौन सा सिस्टम ऐसा है, कौन सी चीज आपको मतलब नहीं है, यहाँ कोई सिस्टम ये नहीं है, ये अलग अलग यूनिट में लिखा हुआ है, हर बार आपको ऐसा और सीजीएस लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप इस तरह से इसको लिखोगे, आप लिखोगे इसको सिस्टम नंबर वन, सिस्टम नंबर वन, सिस्टम नंबर टू, सिस्टम नंबर टू। यहाँ पे एन वन का वैल्यू कितना है भाई, 54, एन टू कितना होगा नहीं पता, मास का इस बार कोई बात ही नहीं करना है क्योंकि मास के पावर में कितना है, जीरो। मन हो तो आप लिखो, मास यहाँ है ही नहीं तो हम क्यों यूज करेंगे, बात समझ आ रहा है ना। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि यहाँ मास में केजी लिखे क्या लिखे, मास का तो बात ही नहीं, एम का पावर यहाँ कितना है, जीरो, वेलोसिटी में मास आता ही नहीं। एलवन, एलवन यहाँ 1 किलोमीटर लिखेंगे क्योंकि यहाँ किलोमीटर है, तो एल टू यहाँ 1 मीटर लिखेंगे क्योंकि यहाँ मीटर है। यहाँ पे टी वन टाइम यहाँ 1 आवर लिखेंगे क्योंकि यहाँ आवर है, यहाँ आवर है, यूनिट देख के काम करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे टाइम टी टू, यहाँ पे टाइम हम लिखेंगे 1 सेकेंड, एक में लिखे 1 आवर, एक में लिखे हमने 1 सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान देगा क्या होगा, एम टू इज इक्वल टू फॉर्मूला एन वन, एम वन बाय एम टू हम लिख दे रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं है, मास यहाँ यूज नहीं, हम लिख दिए फॉर्मूला, यहाँ चमक रहा है कबूल, बस ऐसे लिख दिए कि आपको अच्छा लगे कि यहाँ कुछ हुआ है और कुछ। एन टू इज इक्वल टू एन वन, यहाँ के बाद एन वन क्या लिखेंगे बताओ, एम वन बाय एम टू का पावर ए, एल वन बाय एल टू का पावर बी, टी वन बाय टी टू का पावर सी, ठीक है, कहीं कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पे एन वन है आपका 54, ए यहाँ पे कितना होगा, एम वन एम टू पता नहीं है लेकिन ऑब्वियस सी बात है इसका पावर ए तो जीरो है ना, समथिंग पावर जीरो वन हो जाता है, वो टर्म का मतलब ही नहीं रहता है, फिर भी हम एम वन एम टू लिख के जीरो लिख दिए। एल वन यहाँ 1 किलोमीटर है, बाय एल टू 1 मीटर है, पावर में बी है 1, बी है 1, बी है 1, और यहाँ टाइम है 1 आवर बाय 1 सेकेंड, पावर में माइनस 1, देख रहे हैं पावर में माइनस 1। तो इस हिसाब से अगर आप सोल्व करोगे तो 50, ठंडा लग गया, किसी को तबियत सही में खराब हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो ये सब, ये देखो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, मेरा एम होना चाहिए कि ये टर्म कैंसिल हो जाए, आप मीटर को भी किलोमीटर बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है,
बाय 1 मीटर पावर 1 आवर में कितना सेकंड होता है हम सब जानते हैं 3600 सेकंड। 3600 सेकंड बाय 1 सेकंड पावर में -1 मीटर मीटर सेकंड सेकंड कैंसल मीटर का कैंसिल हो गया ये 54 इनटू 1000 डिवाइड में 3600 हम क्यों लिखे समझ में आया डिवाइड में 3600 क्यों लिखे क्योंकि पावर में -1 है तो माइनस मतलब डिवाइड में आया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आपको टेबल आता है 18 कैंसिल काट दो इसको 18 × 36 थ्री टाइम्स हो जाएगा 5 15 आंसर आ जाएगा 15 × 15 इंटीजर कितना आया 15 दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। देखिए कहीं कोई तकलीफ है कहीं कोई समस्या है दिखाई नहीं दे रहा है आपके यहाँ ब्लर दिख रहा है स्क्रीन ऐसा कुछ भी है हमको बताइए नहीं तो आपको हम फोटो खींच के लिए भेज देते हैं वैसे बार बार। हाँ अब अपने आपको अपन म्यूट कर सकते हो जब भी चाहो आप लिखो आपको समय जरूर देते हैं लिखने का। देखो अनम्यूट करने के लिए आपको हम ऑप्शन देंगे तब तो चिंता नहीं करना है सब लोग ट्राई कीजिए समझे अदिति है यहाँ पे अदिति जया ओके ट्राई कीजिए थी घबराना नहीं है भव्या कोशिश करना निधि आज नहीं बनाई निधि कोशिश करना है राहुल गणेश लोड नहीं लेना है रुचि कुमारी सुगम भी अभी तो एक दो ही क्लास हुआ है सुगम लड़का बोला था बच्चा लड़का ठीक है सुगम याद आ गया हमको रुचि कुमारी कोशिश कीजिए कि बनते जाए कोशिश करना है पहले बोले हमसे खुद नहीं बनता था ये बात आप याद रखिएगा। ओके हो गया डन शुरुआत में 11th पहला दिन होता है हम जोश में नहीं रहते हैं इसलिए पहले अगर नहीं आप पढ़े हैं आप सीख रहे हैं तो समय लगता है लेकिन हो सकता है कि किसी को जल्दी समझ में किसी को लेट ये हो सकता है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि किसी से ना बने बाद में प्रैक्टिस के बाद तो बनेगा ही। चलिए यानी किसी को डाउट नहीं है हम हेडफोन लगा के रखे हुए हेडफोन फिर भी किसी ने कुछ नहीं बोला कुछ बोलना है किसी को या हम आगे बढ़े एक मिनट हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन आपके साथ ठीक है पहले हमको यहाँ पे भेजना पड़ेगा इससे इसमें लैपी पे भेजने दो हमको आ गया अभी नहीं आया आ गया ओके देखिए स्क्रीन हम शेयर करने जा रहे हैं शेयर स्क्रीन ये मीटिंग 3 मिनट बचा हुआ है फिर हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अगला मीटिंग आपको तुरंत ज्वाइन करना होगा ये ध्यान रखिएगा ये अभी हमसे शेयर किया मान लो ये आपके लिए हम क्वेश्चन ऐसे लिखे हैं तैयार किए हैं जो भी इसमें आज का क्वेश्चन था जो 2-4 क्वेश्चन था जैसे 3-4 तो अभी आप बना ही लिए क्वेश्चन नंबर अभी आप बनाओगे क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर 2 प्लीज ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम एनसीईआरटी ध्यान रखिएगा ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल When one, where one joule is equal to 1 kg meter square per second square, यानी dimension लिखने का आपका tension ही दूर कर दिया है, बेचारा dimension ही बता दिया। Suppose we employ a system of unit in which the unit of mass equals alpha kg, the unit of length equals beta meter, and unit of unit मतलब एक unit की बात हो रही है, unit of time is gamma second. Show that a calorie has a magnitude 4.2 alpha inverse, यानी beta power minus 1 and gamma power 2 in terms of the new unit. आप ये screenshot ले ले या इसका हम क्वेश्चन आपको भेज दे रहे हैं आपके ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में ये हम भेज दे रहे हैं ठीक है। और 2 मिनट का ब्रेक लेके अगला मैं क्लास ज्वाइन करेंगे 2 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हैं ठीक है। 4 बजे तक क्लास होगा 3:26 हुआ है ये मीटिंग हम एंड कर रहे हैं क्योंकि अभी आप बनाने में समय लेंगे आप ग्रुप में फोटो हम भेज चुके हैं इसलिए शेयरिंग स्टॉप कर रहे हैं अगले मीटिंग में इस पे हम लोग बात करते हैं इसके सवालों के ऊपर ठीक है। जिनसे बन जाएगा वो भेजेंगे हमको स्क्रीनशॉट फोटो खींच के भेजेंगे हमको मोबाइल पे 2 मिनट आप ब्रेक ले सकते हैं 2 मिनट में आप चाय नाश्ता पानी गाना वाना सुन सकते हैं सिर्फ 2 मिनट। चलिए अगले मीटिंग में आइए ये मीटिंग एंड कर दें हम।